विधि व्रत विधि। शिव पुराण के अनुसार जब गणेश जी का सिर शूल पाणी ने अपने त्रिशूल से काट दिया था और देवताओं ने माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए एक गजराज का मस्तक बालक गणपति को लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया था, ये देख जगजननी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई थी। उस समय दयामयी पार्वती की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उन्हें सर्वाध्यक्ष मान लिया था। उसी समय देवादिदेव महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वरों के साथ एक वर ये भी दिया था, विघ्नाश के कार्यों में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य होगा और मैं तुझे अपने समस्त गणों का अधिपति बनाता हूँ। इतने वर देने के उपरांत आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्रदान करते हुए कहा, गणेश्वर तू भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को चंद्रमा के उदय होने पर उत्पन्न हुआ, जिस समय गिरिराज किशोरी के सुंदर चित्त से तेरा उदय हुआ था उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए इस दिन से व्रत प्रारंभ करने के इसी तिथि में प्रतिमास जो तेरा पूजन सहित उत्तम व्रत करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाएंगी। भक्त वत्सल्य कामारी ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास को जो करेगा तथा नाना उपचारों से तेरा पूजन करेगा उनके विघ्नों का सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा, उनके कार्यों की सिद्धि होती रहेगी। ये व्रत पूजा